नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और ये हमारा पार्ट नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नंबर 8। पिछले पार्ट में आपने मैक्रो देखा था और उससे पहले के पार्ट है, जिन लोगों ने भी ना देखे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, इससे पहले के जो हमारे टैब्स हैं वो सब देखने होम इंसर्ट सभी टैब। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अपन पार्ट नंबर 8 में क्या करेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा डिजाइन टैब और लेआउट दो टैब करेंगे। डिजाइन टैब में कई चीजें हैं, पेज को डिजाइन करना, जो भी हमारा पेज का पेज पे हम लिख रहे हैं उसको एक फॉर्मेट देना, और वाटरमार्क पेज पे लगाना है पेज के बैकग्राउंड में। वाटरमार्क जैसे कि एक नोट होता है हमारा, जो करेंसी में नोट होता है उसके पीछे कोई कई बार इमेजेस होती है, वाटरमार्क होता है वो, या कुछ ऐसा लेटर हेड होता है कंपनी का उसमें पीछे वाटरमार्क होता है, वैसा कुछ लगाना है। पेज का कलर अपन को, पेज को कलर करना है उसका बैकग्राउंड कलर, या फिर पेज के बॉर्डर अपन को सेट करने हैं, वो सब हम डिजाइन टैब में करेंगे। और लेआउट टैब में पेज को सेटअप करेंगे। लेआउट मींस पेज का हमें लेआउट कैसे सेट करना है, उसके मार्जिन अलाइनमेंट सारे, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए प्रिंटिंग के हिसाब से, वो सारा करेंगे पेज का सेटअप और पैराग्राफ्स का सेटअप। ठीक है, तो चलते हैं डिजाइन और लेआउट समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है डिजाइन। डिजाइन बहुत सिंपल टॉपिक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। आप जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हो आप वो किस स्टाइल से चाहते हो। एक मैंने टेक्स्ट ले लिया, अब मैं इस डॉक्यूमेंट किस तरीके से मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, बहुत टाइप की है। ये देखिए, ये जो ऐसे करके फॉर्मेटिंग आप आराम से यहाँ से पिक कर सकते हो, इनके कलर्स आप यहाँ से पिक कर सकते हो, ग्रीन येलो या जो भी है, ये फॉर्मेटिंग है। यहाँ से फॉन्ट है इनके, ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग इनके बीच में है, इफेक्ट ग्लो वगैरह करना है इनको तो है, ठीक है, या सेट एज डिफॉल्ट करना है तो बिल्कुल सेट एज डिफॉल्ट हो जाएगा जैसे पहले था। ठीक है, वाटरमार्क अगर कभी आपको पेज के पीछे ऐड करना है तो आप वाटरमार्क पे क्लिक कर सकते हैं, और कुछ वाटरमार्क बने बनाए हैं, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, एक वाटरमार्क है, अगर आप इनमें से ऐड करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप कस्टम वाटरमार्क पे भी क्लिक कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाटरमार्क करना है तो आप यहाँ टेक्स्ट फिल कर दीजिए कुछ भी, यहाँ आपने लिख दिया, ठीक है, और आपने ओके, तो देखिए यहाँ पे पीछे वाटरमार्क आ गया आपका, दिख रहा है आपको, ये है पीछे वाटरमार्क। ठीक है, अगर आप इस वाटरमार्क के साथ और कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसे इसका फॉन्ट साइज, इसका कलर, अभी देखिए ये कलर है वाटरमार्क का, अगर मैं चेंज कर देता हूं तो देखिए एक ऐसा कलर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप वाटरमार्क का लैंग्वेज वगैरह और सब यहां से चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, अभी डायगोनल है, आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नो वाटरमार्क करेंगे तो हट जाएगा वाटरमार्क, अगर आप पिक्चर वाटरमार्क करेंगे तो पिक्चर भी डाल सकते हैं, इमेज कोई वाटरमार्क में, तो सिलेक्ट पिक्चर आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी ले सकते हैं पिक्चर, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो आप कंप्यूटर से पिक्चर ले सकते हैं। इमेज ये लिए, एक मैंने ऑफलाइन पिक्चर ले ली, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, तो जो पीछे बैकग्राउंड में एक पिक्चर आ गई है। अगर मैं इस पेज का कलर चेंज करूंगा तो आपको दिखेगा कि वो सराउंडिंग ऐसे हो जाएगी, और अंदर यहाँ पीछे वो इमेज आ रखी है। ठीक है, कस्टम वाटरमार्क रिमूव कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेज के बॉर्डर आपको बदलना है तो पेज का बॉर्डर भी आप आराम से मर्जी से कोई भी स्टाइल शेडिंग, पेज का बॉर्डर आप कैसे भी ले सकते हैं, लाइंस चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आराम से पेज का बॉर्डर आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डिजाइन वाला हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेआउट। लेआउट में जैसे कि नाम बहुत क्लियर है, लेआउट मींस पेज का लेआउट, ठीक है, मींस पेज का सेटअप, पैराग्राफ का सेटअप और अरेंज करना।
ये अरेंज वाला ऑप्शन हमने इमेज वाले में देख चुके हैं. इमेज की जो हमने सेटिंग्स करी थी, इमेज को रैप टेक्स्ट, पोजीशन, सेंड बैकवर्ड वगैरह ये सब हम उसमें कर चुके हैं. ठीक है, अभी हमें कौन सा करना है, पेज सेटअप और पैराग्राफ लेआउट में. ठीक है ना, पेज सेटअप के अंदर सबसे पहला टॉपिक है मार्जिन. जो आप पेज लेते हैं उसको कैसे प्रिंट करना है आपको, वो मार्जिन में आपका सेटअप होता है. ये कुछ टेक्स्ट ले लेता हूं मैं यहां पे. इसको बड़ा कर देता हूं, इसका फॉन्ट. ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि मार्जिन का हमारा क्या सेटअप है. देखिए मार्जिन है सेट द मार्जिन साइजेस फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द करेंट सेक्शन. अभी हम मान लीजिए इस पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, तो ये देखिए मार्जिन है हमारा. मार्जिन है नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ऐसे बहुत सारे मार्जिन है. मतलब टॉप में 1 इंच मार्जिन, लेफ्ट में मार्जिन मतलब होता है अनप्रिंटेबल एरिया, मतलब जिस एरिया पे प्रिंट नहीं हो रहा. पेज के साइड में जो ए वाला एरिया जो अनप्रिंटेबल रह रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन. आप मार्जिन को चेंज कर सकते हैं. ये देखिए कुछ गिबन मार्जिन हैं बाय डिफॉल्ट, उनमें से आपको चूज कर सकते हैं. और अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आया तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी का दे सकते हैं. मान लो मैं टॉप में 1.4 दे देता हूँ और लेफ्ट में 1.3 देना चाहता हूँ, बॉटम में मैं बिल्कुल कम करना चाहता हूँ 0.5, राइट में मैं बिल्कुल 0.3 करना चाहता हूँ. तो इस तरीके से मेरी मर्जी से मैं मार्जिन दे सकता हूँ. पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ऑप्शंस होते हैं, आपने देखा होगा. जो हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं लेटर वाला, वो पोर्ट्रेट पेज होता है सीधा, और एक हमारा होता है जैसे एनवलप होता है, हॉरिजेंटली होता है, वो लैंडस्केप में होता है. देखो ऐसे जैसे टेढ़ा हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं. ओके करेंगे तो आपका मार्जिन देखिए उस टाइप से सेट होगा. इधर बहुत कम मार्जिन है, इधर काफी ज्यादा हो गया, इधर भी ज्यादा हो गया. इस हिसाब से आप अपने मार्जिन सेट कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा लेआउट में मार्जिन जिस टाइप से हम सेट करते हैं उसी हिसाब से हमारा प्रिंट लेआउट आता है. ओरिएंटेशन वही पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ये सारी चीजें हम यहाँ के बाद ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर देंगे तो ऐसा पेज आ जाएगा और पोर्ट्रेट में ऐसा सीधा आ जाता है पेज. साइज हमारे ऐसे है बहुत सारे पेज के, A4 साइज जो एक बेसिक पेपर होता है नॉर्मल, वो A4 साइज होता है. ऐसे ही बहुत सारे आप साइज ले सकते हो जैसा आपका प्रिंटर की आपकी सेटिंग्स हैं. कॉलम्स आप पेपर में पेज में अपने ऐड कर सकते हो. वन कॉलम मतलब जैसे कॉलम मींस होता है ना, जैसे न्यूज़पेपर में कोई राइटर्स होते हैं उनको बोलते हैं ना कॉलमिस्ट. क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉलम लिखते हैं वो. अलग अलग पेपर में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. ऐसे अगर आप करना चाहते हो तो एक पेज पे आप दो कॉलम ऐड कर लोगे तो टू कॉलम्स में आपका पेज डिवाइड हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये मेरा डेटा नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा, पेज में नहीं. ये देखिए देखिए ठीक है ना. तो आप अगर टू कॉलम्स में करेंगे तो टू में जाएगा, थ्री कॉलम्स करेंगे तो थ्री कॉलम्स में आपका डाटा चला जाएगा. आप ये करेंगे आराम, यहाँ से करेंगे तो आपका तीन कॉलम में डाटा डिवाइड हो गया. ठीक है, ये देखिए. तो इस तरीके से आप कॉलम्स ले सकते हैं. अगर आप वन कॉलम कर देंगे तो सारा सब कुछ वन कॉलम में आ जाएगा. तो ये पेज सेटअप था हमारा. ठीक है, उसके बाद ब्रेक करना है, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट, एक बहुत सारे ब्रेक है कि अगर आपको पेज यहां से ब्रेक करना है तो आप पेज ब्रेक पे क्लिक कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ का जो डाटा है वो सारा नेक्स्ट पेज पे चला गया, पेज ब्रेक हो गया. अगर आप चाहते हैं कॉलम ब्रेक करना तो आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं. इंडिकेट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन नेक्स्ट कॉलम. वहां से आपका जो भी डाटा है, अगर आपके एक से ज्यादा कॉलम होते हैं, आपका ये डेटा है, और अगर आपके यहाँ कॉलम है 3 और आप यहां से कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका वो डेटा यहाँ चला जाएगा दूसरे कॉलम में, तो कॉलम ब्रेक हो जाएगा.
तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे ब्रैक ले सकते हैं, टैक्स ट्रैपिंग वगैरह। उसके बाद है लाइन नंबर्स, अगर आप लाइन डालना चाहते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो हर लाइन के आगे एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको वन कॉलम कर देता हूं एक बार, देखिए हर लाइन के आगे आपको वन नंबर आ गया। अब इस लाइन नंबर्स में एक चीज है कि अगले पेज पे देखिए कंटिन्यू रह रहे नंबर 31, फिर नेक्स्ट पेज पे कॉन्टिन्यूस 32। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन नंबर्स आपके कॉन्टिन्यूस ना रहे, रीस्टार्ट ईच पेज हो, तो आप कैसे रीस्टार्ट हो जाएंगे इस पे 20, 27, 31, 30, यहां से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। पैराग्राफ है नेक्स्ट हमारा, पैराग्राफ में सबसे सिंपल है इंडेंट और स्पेसिंग। आपको जो भी आपका पैराग्राफ है उसका अगर आप लेफ्ट में थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, कितना लेफ्ट में करना चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये उतना ही लेफ्ट में चला जाएगा। राइट में करना चाहते हैं आप तो राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको राइट लेफ्ट कर सकते हैं। इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं अगर आप पैराग्राफ के, दो पैराग्राफ्स के बीच में, तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए, और अरेंज हम इमेजेस में कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन बहुत सिंपल टॉपिक है, मींस जैसे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में, आपने देखा होगा मैगजीन्स हो या बुक्स हो या नॉवेल वगैरह में होता है जिसमें कि टाइपिंग करी जाती है, तो वर्ड क्या होता है स्पेस ज्यादा ले लेते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल, अगर कंट्रोल ए करें कंट्रोल जे करें तो देखिए स्ट्रेच हो जाएंगे वर्ड, ठीक है ना। तो ये तो कंट्रोल जे से हम जस्टिफाई करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें और हम चाहते हैं कि ऊपर वर्ड हमारे एडजस्ट हो जाए और जो एडिक्वेट स्पेस ले और बाकी का स्पेस बचाया जा सके, तो उसके लिए हम हाइफन यूज करते हैं। रियल लाइफ में भी हम कभी कुछ लिखते हैं तो कुछ लिखते लिखते उस लाइन में मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है वर्ड, तो नेक्स्ट लाइन में हम हाइफन लगा के लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइफनेशन। तो वैसा ही हमें करना है, बस इसमें सिंपल आपको करना क्या होता है, नन रखते हैं अगर आप तो कहीं भी हाइफनेशन नहीं होंगे, अपने आप ऑटोमेटिक करते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैंने कॉपी करा था तो जो पहले से थे मैंने नेट से कॉपी कर लिया था, ये कुछ टेक्स्ट प्रैक्टिस देखने के लिए। तो अब देखिए हाइफनेशन लग गए हैं कई जगह, जैसे मैंने ऑटोमेटिक कर दिया है, ठीक है ना। आप नन करेंगे वापस ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा ऑटोमेटिक वगैरह कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करना है और कुछ नहीं है। मैनुअल करते हैं तो एक एक करके ऑटोमेटिक कर दिया था इसलिए हो चुका है वो, अगर मैं नन कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैनुअल करता हूँ तो वो एक एक करके पूछेगा, जैसे पूछ रहा है रूटीन को करना है, यस कर दिया ने वो। तो दैट इज हाइफनेशन, ये था हमारा पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हमने डिजाइन टैब, वाटरमार्क, पेज सेटअप, हाइफनेशन वगैरह देखा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, सी यू।